हाय देयर, दिस इज साहिल विस्टम हेयर। और अभी दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, तो आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सब कुछ मंगलमय हो, माता दुर्गा आप लोगों के सारे दुख को हर ले। तो दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे कि रांची में 2 सालों के बाद दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। अभी बहुत ही भव्य तरीके से रांची में बहुत सारे पंडाल बने हैं। मैंने भी कुछ पंडाल रांची में घूमे फिरे और मुझे जो सबसे अच्छा लगा, बात करते हैं कुछ उनके बारे में। सबसे टॉप पॉइंट पे मैं रखूँगा, वो रखूँगा बकरी बाज़ार का। वहाँ पे वेस्ट बंगाल का इस्कॉन टेम्पल का कॉपी किया गया है, उसकी रेप्लिका बनाई गई है। अगर आप उसको दूर से देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई पंडाल है ना, बिल्कुल जेन्युइन है। पास से भी जाने के बाद वो उतना ही रियल प्रतीत होता है। कारीगरों की तो दाद देनी पड़ेगी, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत करके उस पंडाल को बनाया है। लिटरली अगर आप वहाँ जाओगे ना, आपको अंदर से खुशी होगी, आपको गूज बम्स भी आ सकते हैं कि कोई कैसे इतनी फिनिशिंग कर सकता है। उसकी जो पेंटिंग है ना, वो पेंटिंग इतनी रियल लगती है। हर एक पेंटिंग, बहुत सारी चित्रकारी करी हुई है, वो सारी चीज़ें रियल लगती है। तो बस उसने तो मेरा दिल लुभा लिया। एक मैंने जो देखा लास्ट टाइम पे आते आते, वो बूटी मोड़ और कोकर के बीच में था। वो जगह मतलब ऐसा लगता है जैसे पंजाबी कल्चर और एक गांव का कल्चर, वहाँ पुआल वगैरह का और ये सब सारी चीज़ें जितने होते हैं धान वगैरह के, खेती गृहस्थी एग्रीकल्चर के जो मटेरियल होते हैं उससे वहाँ पे बनाया गया है। वो भी काफ़ी अच्छा था, खुला नहीं था, बस 2 जगह खुले हुए नहीं थे, मतलब बाहर से ही पूरा पैक कर दिया गया था। लेकिन रियली रांची में इस बार बहुत ही धमाका होने वाला है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया बढ़िया पंडाल बना है, तो होप आपको घूमने में मज़ा आएगा। मैं हूँ अभी एक हवाई नगर के पास में, यहाँ पे भी हर गली में छोटे छोटे पंडाल बने हुए हैं। उधर इतने साउंड आ रहे थे, पूरा चोंगा बाजे, मतलब इतना ज़्यादा साउंड था कि बात नहीं कर पाया, तो सोचा कि यहाँ पे बैठ के आपसे अच्छे से बात करता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वंस अगेन आपको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोज़ में। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।